नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर फिर से एक बार मैं अंकिता सिंह स्वागत करती हूँ आपका। अनिल विज की तरफ से कल ट्वीट किया गया था, जो कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, कि अब से हरियाणा में हर शनिवार और एतवार को लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। केवल जरूरी सामान की ही दुकानें खुली रहेंगी, बाकी पूरी मार्केट बंद रहेगी। ऐसे में आज आपको सुबह, यानी कि शनिवार को सुबह सुबह मार्केट का दौरा कराने के लिए निकली थी। सबसे पहले पहुंची हूं सब्जी मंडी, यहां का रुझान आपको दिखाने के लिए कि आखिरकार सब्जी मंडी के क्या हाल है। तो दिखाना चाहूंगी कि अगर ऐसे ही लॉकडाउन लगाना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। घुमाएं कैमरा एक बार कैमरामैन और दिखाएं कि क्या हाल है, किस तरीके से जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। और यदि ऐसा ही लॉकडाउन के समय कुछ जगहों पर रहना था तो फिर लॉकडाउन लगाने का फ़ायदा क्या, एक बड़ा सवाल ही उठ करके आ रहा है। धज्जियाँ फिलहाल यहाँ उड़ा दी गई हैं। हालांकि सब्जी मंडी खुलने पर कोई रोक नहीं थी, सब्जी मंडी खुल सकती है क्योंकि ज़रूरी है, हर घर में रोज़ सब्जियाँ चाहिए होती हैं, ज़रूरत होती है सब्जियों की, बेशक ये ज़रूरी है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन के समय में ऐसी भीड़, लोगों का इस तरीके से तांता लगना कहीं ना कहीं कम बता रहा है कि अब जनता लॉकडाउन से अक चकी है और लॉकडाउन में रहने के मूड में बिल्कुल भी कतई नहीं है। तो ये है सब्जी मंडी का पहला रुझान जो मैं आपको लेकर के आई हूँ, हिसार, हरियाणा के हिसार सब्जी मंडी का सुबह का नज़ारा। तकरीबन 7:30-8 के करीब का समय है और भीड़ देखिए यहाँ पर, और दूर तक आपको लेकर के चलती हूँ, दूर तक भीड़ भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा है, कुछ इस कदर नज़ारा है। और यदि ऐसा ही नज़ारा होने वाला था तो फिर फ़ायदा क्या है लॉकडाउन लगाने का, इस तरीके से बाकी सब चीज़ बंद करने का। ये देखिए आपको दूर तक नज़ारा दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से भीड़ भाड़ यहाँ पर लगी हुई है। और मास्क देखेंगे लोगों के चेहरे पर तो ना ही मास्क है और भीड़ भी। थोड़ा सा आगे आपको लेकर के चल रही हूँ, गाड़ियों की भीड़ शायद आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये देखिए तो ये पहला रुझान है सुबह सवेरे का, तकरीबन 7:30 का समय है और भीड़ आप देख पा रहे हैं। पूरी सब्जी मंडी का दौरा मैं आपको करवाऊंगी। भीड़ आप इस कदर कैमरा में देख पा रहे होंगे कि यूं यहाँ पर लोगों का तांता लगा है, गाड़ियों जहाँ पर दो लोग इकट्ठे अगर बिना मास्क के नजर आ जाएं तो चालान काट दिया जाता है झट से, वहाँ का हाल ये है। देखिए ये हाल है सब्जी मंडी के, जहां पर इस कदर भीड़ फिलहाल लगी हुई है। ये देखिए यदि ऐसा ही रहना था तो फिर लॉकडाउन लगाया क्यों गया है, ये बात समझ से बाहर है। और इसके साथ साथ कमेंट्स अगर मैं पढ़ूं तो कमेंट्स में भी आप लिख करके बता सकते हैं कि क्या अब इस समय लॉकडाउन लगाने का फायदा है, क्या प्रशासन को, सरकार को अब लॉकडाउन लगाना चाहिए। ये देखिए सामने कुछ जूम आप देख पा रहे होंगे, साइड बाय साइड चलिए जी। राजेंद्र कश्यप जी बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है ऐसे, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है सर। अगर कुछ लोग यूं ही
जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। वाकई हेमंत गोयल जी, मार्केट दिखाइए। ज़रूर मार्केट दिखाऊंगी सर, इसके बाद मैं आपको मार्केट ही लेकर के जाने वाली हूँ। हेमंत जी, सब्जी मंडी बेशक एसेंशियल आइटम के अंदर है और लेकिन एसेंशियल आइटम के लिए भीड़ कुछ इस कदर नहीं लगनी चाहिए। ये लोग यहाँ पर इस कदर यहाँ ये देखिए हाल यहाँ पर ऐसे हैं। और साथ साथ ये देखिए सब्जी मंडी के नज़ारे लगातार आपको दिखा रही हूँ, तो चाहूँगी कि थोड़ी सी गंदगी और गायों पर भी नज़र डाल लीजिए। ये सुबह सवेरे सब्जी मंडी के हाल हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोग न मास्क लगा करके घूम रहे हैं न कुछ भी। फ़ायदा मुझे लगता नहीं है कि होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि एक तबके को जो है घर बिठा दिया गया है और दूसरा तबका कुछ यूँ इस कदर लापरवाही से बाज़ार के अंदर घूम रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। बिल्कुल हेमंत जी, आप बोल रहे हैं कि दो दिन के लिए सब, ये देखिए दो दिन के लिए सब बंद नहीं कर सकते, सिर्फ मार्केट बंद करने से कोरोना चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता सर। यदि एक तबका इस तरीके से जो है पालन नहीं करेगा नियमों का तो बिल्कुल भी नहीं जाना। प्रतीक जी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के बस का कुछ नहीं है। चलिए आपको अंदर उतार करके लेके जा रही हूँ मैं और दिखाऊंगी कि अंदर का क्या नज़ारा है। भीड़ शायद आप करीब से देख नहीं पा रहे होंगे, अंदर आपको लेकर के चल रही हूँ एक बार के लिए। अब शायद आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूंगी कि आगे भी दिखाएं कि हाल क्या है। 130 ये हाल है लॉकडाउन के। ये शनिवार को पहला रुझान मैंने आपको दिखाया है। देखिए बेशक से सब्जी मंडी एसेंशियल आइटम्स में आती है, सब्जी जरूरी है सभी के लिए, मगर इतनी भीड़ कहीं पर भी फिलहाल गंवारा नहीं है। इतनी भीड़ यदि कहीं पर भी इकट्ठी हो रही है तो कहीं ना कहीं खतरनाक है। सरकार को दो जगह कर्फ्यू लगाने, दो जगह लॉकडाउन लगाने से अच्छा है कि दोनों जगह कम भीड़ की जाए। दीपक गोयल जी बोल रहे हैं कि सब्जी मंडी बंद होनी चाहिए। सर सब्जी मंडी को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ये लोग इस तरीके से बेफिक्री में घूम रहे हैं इन्हें ज़रूर रोका जा सकता है, सख्ती से पालन किया जा सकता है। जो पुलिस हर नाके पर जो है चालान काटते हुए नज़र आती है बिना मास्क के, उन्हीं पुलिस में से कुछ कर्मचारियों को यदि यहाँ सब्जी मंडी के बीच में बिठा दिया जाए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का पालन करवाने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो जिस इस कदर इस जो भीड़ लगी है उसको रोका जा सकता है। मगर ऐसा कोई
कदम यहाँ पर फिलहाल प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया गया है। यदि ये कदम उठाया गया होता पुलिस कर्मियों को, जो हर नाके पर केवल इसलिए गाड़ी में बैठे लोगों का चालान काट देते हैं क्योंकि दो लोग अपनी गाड़ी में, बेशक से मियां बीवी हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं या जो भी है, दो लोग एक ही परिवार के एक साथ निकलते हैं तो उनका चालान काट दिया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं हज़ारों लोग अलग अलग परिवार से, अलग अलग घर से, अलग अलग जगह से इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके की मैनेजमेंट प्रशासन की तरफ से नज़र नहीं आ रही है। तो ये था सब्जी मंडी का पहला रुझान। लगातार पूरे दिन ऐसे ही रुझान आपके सामने आज लेकर के आती रहूँगी। बस बने रहिए, शेयर करते रहिए मेरे वीडियोज़ को। नमस्कार।